गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हमारे चैनल मास्टर ऑफ करंट अफेयर्स एंड जीके में आप सबका स्वागत है। और दो बड़ी खबरें हैं जिनको देखने से पहले हमारे चैनल को, जिन लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ऑन कर लें। और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। तो आप लोग देख सकते हैं कि जो है प्रयागराज में TET 2018 के प्रमाण पत्रों का वितरण 17 जून से होगा, तो इसकी पूरी खबर देखेंगे हम यहाँ पर। दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं कि TET 2018 के प्रमाण पत्रों का वितरण 17 से, तो ये प्रयागराज से खबर है। डाइट के प्राचार्य के अनुसार सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से प्राथमिक उच्च प्राथमिक स्तर की TET 2018 का प्रमाण पत्र उनके कार्यालय को उपलब्ध करा दिया गया है। TET में प्रयागराज से शामिल अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का वितरण 17 जून से किया जाएगा। डाइट प्राचार्य PN श्रीवास्तव के अनुसार अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्र जो है प्राप्त करने के लिए अपने साथ में प्रवेश पत्र, 2 फोटो, पहचान पत्र, हाई स्कूल से स्नातक तक जो है तथा प्रशिक्षण यानी BEd या BTC के अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र की मूल कॉपी के साथ सभी छाया प्रति और लाभ अभ्यर्थियों की उपस्थिति अनिवार्य है। तो आप लोग देख सकते हैं जिनकी TET की मार्कशीट है, जिस जिले में TET का एग्ज़ाम दिया था उनको वहीं से जो है डायट से TET का प्रमाण पत्र मिलेगा। और नीचे लिखे सभी दस्तावेज आपको वहाँ पर ले जाने हैं। और सबसे खास बात यह है कि जो है उनकी उपस्थिति जो है अनिवार्य अभ्यर्थियों की, जिनका है उनको जाना पड़ेगा। और दूसरी बड़ी खबर है कि जल्द भरे जाएंगे CBSE और नवोदय के खाली पद। तो यहाँ पर देखते हैं, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री जो अभी मोदी सरकार के जो है नए मंत्रिमंडल का जो है गठन हुआ है उसमें जो है मंत्री बनाए गए हैं, मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक। तो उन्होंने कहा कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सहित नवोदय और केंद्रीय विद्यालयों के खाली पदों को शीघ्र भरने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कहा कि खाली पड़े पदों की वजह से नई पीढ़ी के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर निशंक मंगलवार को CBSE, नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय संगठन आदि के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने संस्थाओं में खाली पड़े पदों को लेकर नाखुशी जताई और कहा कि इन्हें भरने का काम युद्ध स्तर पर शुरू किया जाए। बैठक में राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान NIOS के भी अधिकारी मौजूद थे। डॉक्टर निशंक ने NIOS के बेसिक लिटरेसी प्रोग्राम को भी समीक्षा की, साथ ही संस्थान की ओर से 15 लाख अप्रशिक्षित शिक्षकों के प्रशिक्षण को तय समय सीमा में पूरा करने के लिए सराहना भी की।